झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी संघ की बैठक मुरकुंडा पंचायत भवन में रखी गई। इस बैठक की अध्यक्षता शबीना खातून ने की। बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष संजीदा खातून, प्रदेश प्रभारी इम्तियाज अहमद, प्रदेश संयोजक मंडल अध्यक्ष प्रेमनाथ विश्वकर्मा उपस्थित हुए। बैठक में निम्न बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा की गई। सेविका सहायिका के मानदेय में बार बार हो रही गड़बड़ी व उसका यथाशीघ्र निवारण, सेविका सहायिका का मानदेय एक साथ दिया जाना, सभी सहायकों का पिछला बकाया मानदेय का यथाशीघ्र भुगतान एवं सेविका सहायिका का मानदेय एक साथ दिया जाए, न कि एक को पहले और एक को बाद में। सेविका को दिए गए मानदेयों में कटौती होना काफ़ी चिंताजनक बात है, जबकि सभी केंद्र अपने समय पर खुल रहे हैं। जब केंद्र में बच्चों की उपस्थिति दिखाई जा रही है, बच्चों का पोषाहार दिया जा रहा है, तो सेविका और सहायिका को अनुपस्थित कैसे मान लिया जाए। जब केंद्र में बच्चों की उपस्थिति दिखाई जा रही है, बच्चों का पोषाहार दिया जा रहा है, तो सेविका और सहायिका अनुपस्थित कैसे पाए गए, ये जाँच का विषय है। मार्च माह में कई केंद्रों का लगातार पर्यवेक्षिकाओं द्वारा निरीक्षण किया गया। लगातार निरीक्षण में सेविका और सहायिका उपस्थित पाई गई, पोषाहार सुचारू रूप से संचालित हुआ पाया गया, जिसके तहत मार्च माह का पोषाहार भी दिया गया। तो फिर मार्च माह में सेविका सहायिकाओं का मानदेय किस आधार पर काटा गया? संघ सरकार से मांग करती है कि इस पर यथाशीघ्र जाँच कर उचित कार्रवाई की जाए और काटे गए मानदेय का यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। वहीं सहायिकाओं का मानदेय भुगतान होने के बाद भी सहायिकाओं का मानदेय भुगतान नहीं किया जाता है, जो कि घोर निंदा का विषय है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों में भी गर्मी छुट्टी दी जाए, साथ ही सेविका सहायिका का मानदेय का भुगतान एक साथ होना सुनिश्चित हो और प्रत्येक केंद्र में सेविका सहायिका को मोबाइल फोन दिया जाए, ताकि वह ऑनलाइन काम पोषण ट्रैकर का कर सके और सेविकाओं को और सहायिकाओं को प्रशिक्षित किया जाए कि वह किस तरह से पोषण ट्रैक ऐप का संचालन करें। यदि सरकार यथाशीघ्र मानदेय का भुगतान एवं कटे हुए मानदेय का भुगतान नहीं करती है और हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो संघ क्रमबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी। रामगढ़ डेस्क की रिपोर्ट। हम लोगों का मुद्दा का बैठक मैन ये है कि जैसे कि अभी सहायिका सेविका का जो पेमेंट दिया गया है मानदेय, जिसको कहते हैं हम लोग मानदेय, जबकि सेविका को मानदेय पूरा मिलना चाहिए, तो पूरा ना देकर किसी को 8,000, किसी को 7,000, किसी को 6,000, किसी को 4,000, किसी को 3,000, इस टाइप में दिया गया है। और मैं चाहती हूँ कि अगर ये सरकार गलती किए हैं तो हम लोग को बताया जाए, स्पष्ट किया जाए कि किस आधार पर ये हम लोग से गलतियां हुई हैं। और सहायिका का मानदेय तो आया ही नहीं है, तो जब सेविका का मानदेय कटा है तो ऑटोमेटिक सहायिका का भी कटेगा, और जब सहायिका सेविका का मानदेय कटा मार्च माह का, तो बच्चा का पोषाहार भी कटना चाहिए था, क्योंकि वो तो आपका आंगनबाड़ी बंद पाया गया, आप तो घोषित यही किए, तभी तो मेरा मानदेय कटा, अन्यथा मानदेय तो कटता नहीं। अपना नाम? मेरा नाम संजीदा खातून है, मैं आंगनबाड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मामला है कि अभी तक यहाँ पर जो खास करके रामगढ़ जिला में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती आ रही हैं आंगनबाड़ी क्षेत्र में। आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ सुपरवाइजरों का दबदबा बनाना, अगर कोई सहायिका या सेविका कोई बात को उठाती है, कुछ मामले को उठाती है, तो उनको एक एक बार में तीन तीन स्पष्टीकरण दिया जाना, चार चार स्पष्टीकरण दिया जाना, उसके बाद उनके केंद्रों में लगातार आए दिन विजिट करना, हर रोज विजिट करना, उस बहुत सारे तरीके से उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश किया जाता है सुपरवाइजर के द्वारा। अभी जो मार्च माह का मानदेय जो दिया गया है उसमें सेविकाओं का मानदेय आया, उसमें कई सेविकाओं का मानदेय काट करके आया, जो किसी भी ये से सही नहीं है, किसी भी तरह से ये बहुत सारी त्रुटियां हैं। अगर आप केंद्र का सेविकाओं का मानदेय काटते हैं या सहायिकाओं का मानदेय काटते हैं और उसी केंद्र में आप विजिट करते हैं, उसी केंद्र में आप पोषाहार राशि देते हैं, उसी माह का पोषाहार राशि पूर्ण दिया जाता है, विजिट आपके द्वारा किया जाता है, उसमें आप सेविका सहायिका को उपस्थित पाते हैं, बच्चे उपस्थित पाते हैं, उसके बावजूद भी मानदेय काटना, ये किस आधार पे सही पाया गया, किस आधार से सही है, तो इस पर
त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। और उसके बाद साथ ही साथ हमेशा सहायिकाओं का मानदेय विलंब करके आना, इससे पूर्व भी सेविकाओं का मानदेय 9,000 रुपया आया और सहायिकाओं का मानदेय 4,500 रुपये, आज तक उसका भुगतान नहीं हो पाया है। अभी फिर जो मानदेय आया है सेविकाओं को काट करके आया, अभी तक सहायिकाओं का मानदेय नहीं दिया गया। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है, सेविका सहायिकाओं का मानदेय एक साथ क्यों नहीं दिया जाता है, पोषाहार राशि में हमेशा गड़बड़ी होना, चावल का जो ढुलाई होता है सेविकाओं से 200 रुपया करके वसूली करना, ये सारा बहुत सारे मामले हैं जो आंगनबाड़ी केंद्र पर ये है वो बोझ डाला जा रहा है। और यहाँ खास करके सुपरवाइजरों के द्वारा या यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा इनका अनदेखा किया जा रहा है, सेविका सहायिका को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर विशेष सरकार को ध्यान देना चाहिए जांच करते हुए त्वरित रूप पर, क्योंकि सुपरवाइजर एक एक स्थान पर 11 साल 12 साल रह गए हैं, क्योंकि हमेशा ट्रांसफर 3 साल में होना चाहिए, इन लोग का स्थानांतरण होना चाहिए, अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस पर स्थानांतरित होना चाहिए ताकि हमेशा केंद्र सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो सके। देखिए आज झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बैठक हो रही है और बैठक विशेष परिस्थिति में, ये भीषण गर्मी में भी बैठना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार आंगनबाड़ी के द्वारा पतरातू प्रखंड में खास करके इतना शोषण चल रहा है सेविका सहायिकाओं पर कि ये पदाधिकारी सुपरवाइजर हो या पर्यवेक्षक हो या CDPO हो, जो भी हो, वो तरह तरह का आतंक दिखाया जा रहा है। सबसे पहले पोषण ट्रेकर की बात किया जा रहा है कि पोषण ट्रेकर आप पालन नहीं करते, इसके चलते आपका मानदेय काटा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार पहले घोषणा कर चुकी है कि हर आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका को एक बढ़िया वाला मोबाइल दिया जाएगा, जिसके माध्यम से पोषण ट्रेकर की बात की गई थी। आज एक भी सेविका सहायिका को मोबाइल नहीं दिया गया है और सरकार अपने गलती कर रही है या पदाधिकारी लोग गलती कर रहे हैं। हम लोग बार बार बोले हैं कि आप लोग लीक के ऊपर में भेजिए, तो अगर नहीं आप देंगे तो किसी दूसरे का मोबाइल से पोषण ट्रेकर का काम नहीं किया जा सकता है। किसी का मोबाइल से गरीब गुरबा है, बहुत नीचे स्तर के लोग हैं जो आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं। अगर बहुत बड़ा अमीर होता तो क्यों आंगनबाड़ी में आता, तो ये लोग नौकरी कर रहे हैं तो उस भी इनको मिल रहा है मानदेय। हम कहते हैं आप सरकारीकरण करके इनको वेतन दे दो, वेतन देने के बाद अगर यदि यह बात नहीं माना जाता है तो फिर आप चार्ज करो। और आंगनबाड़ी में तो ऐसा है ही नहीं कि पैसा काटा जाए, लेकिन कुछ पदाधिकारी लोग अपना मनमर्जी से ऐसा कर रहे हैं। हम तो उनके ऊपर तक कंप्लेन करेंगे और मुख्यमंत्री से लेकर के कल्याण मंत्री तक हम जाएंगे और जा करके इनकी गाथा को देखेंगे करते क्या है। ये खुद हर महीना सेविका सहायिका से पैसा लेने के चक्कर में दो दो तीन तीन बार विजिट कर देना, एक दिन में 3-4 गो स्पष्टीकरण दे देना, और खास करके हमारे प्रखंड अध्यक्षा के साथ तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है पतरातू प्रखंड में कि वो बेचारी एकदम तलमला गई है कि हम प्रखंड अध्यक्षा रहें कि नहीं रहें। तो ये हमारा झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ को भी परेशान करने का ये में है। तो हम इनको, जब ये हमको नहीं मानेंगे और नहीं समझेंगे तो हम इनको भी नहीं मानेंगे, हम भी इनको पूरा तंग तंग कर देंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री के पास यदि मुझे बैठना पड़े और कल्याण मंत्री के पास यदि मुझे बैठना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनको मैं सचेत करता हूँ कि आप गणित मैरिज हॉल रामगढ़, शादी और पार्टी के लिए एक आदर्श स्थान। निर्मित 18 AC रूम, 4500 स्क्वायर फीट और 2500 स्क्वायर फीट के हॉल के साथ किचन, स्टोर
और पार्किंग की सुव्यवस्थित अलग सुविधा, साथ ही लगभग 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन एरिया, 24 घंटे बिजली जनरेटर सुविधा के साथ, टेंट, लाइट एवं फूलों के आकर्षक सजावट के साथ उचित दर पर उपलब्ध है। हमारा पता है गणित मैरिज हॉल, बागिन बाजार के निकट, रामगढ़ कैंट। हमारा मोबाइल नंबर है 9835128509। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789654310।